नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शुभ लाभ पर। और ये इंडिया सर्च करने का सहयोगी चैनल है। मैं आज आपको बताऊंगी कि धनतेरस से पहले कौन कौन से उपाय आपको कर लेने चाहिए या धनतेरस के दिन आप क्या करें, जिससे धन कुबेर आपके लिए खजाना खोल देंगे और आपके जीवन में धन से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आएगी। फ्रेंड्स, ये मेरा आपसे वादा है। यदि आप ये जेन्युइन उपाय मैं आपको एक बता रही हूँ, बहुत अच्छा उपाय है, आप इसे करें, निश्चित होकर के करें, श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो कोई भी आपको धन और सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक पाएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि पृथ्वी की समस्त धन दौलत, संपत्ति, संपदा और वैभव और ऐश्वर्य के स्वामी कुबेर हैं, और धनतेरस के दिन शाम को इनके लिए 13 दीप समर्पित करना चाहिए। मनचाही समृद्धि पाने का यह रामबाण उपाय है। कुबेर भूगर्भ के स्वामी हैं, यानी कि जमीन में जो धन गड़ा हुआ होता है उसके, समझ गए आप? तो यानी कुबेर की पूजा करने से हमें बिल्कुल अनिश्चित रूप से धन की प्राप्ति होगी, यानी आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। कुबेर की पूजा से मनुष्य की आंतरिक ऊर्जा जागृत हो जाती है और धन अर्जन का मार्ग प्रशस्त होता है। कुबेर का मंत्र आपको बता रही हूँ, जिसे 13 बार जप करके कुबेर भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। ये मंत्र जो है, इसमें चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा करें। मंत्र सुन लीजिए, यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य अधिपतये धन धान्य समृद्धि में देही दापय दापय स्वाहा। मैं आपको फिर से मंत्र बताती हूँ, यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य अधिपतये धन धान्य समृद्धि में देही दापे दापे स्वाहा। यदि आप मंत्र का जाप नहीं कर सकें तो जो मंत्र मैंने बोला है इसे सुन लें आप। इसे जप करके आप धूप, दीप, नैवेद्य और चंदन, इन सब से पूजा करें और आप देखेंगे कि आपका कुबेर देवता जो है अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं आप पर, और आपके लिए सारे रास्ते जो हैं वो धन के खुलने लगे हैं। इसके बाद मैं आपको धनतेरस के और उपाय बता देती हूँ। कुछ आसान तरीके होते हैं जिन्हें आप ज़िंदगी में अपना करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि इस दिन यानी धनतेरस को जो भी कर्म किया जाता है उसका 13 गुना फल मिलता है। आप जानते हैं आपको क्या करना है? सबसे पहले सायंकाल के बाद 13 दीपक प्रज्वलित कर तिजोरी में कुबेर की मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा करें और यह कहें कि श्रेष्ठ विमान पर विराजमान गरुड़ मणि के समान आभा वाले, दोनों हाथों में गदा और वर धारण करने वाले, सिर पर श्रेष्ठ मुकुट से अलंकृत तुंदिल शरीर वाले भगवान शिव के प्रिय मित्र निधीश्वर कुबेर का मैं ध्यान करता हूँ। इसके बाद आप उनका सभी चीज़ों से पूजन करें जो मैंने आपको पहले बताई हैं, और फिर वही मंत्र करें, यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य अधिपते धन धान्य समृद्धि में देही दापे दापे स्वाहा। इसके पश्चात कपूर से आरती उतार कर मंत्र की पुष्पांजलि अर्पित करें। आपकी धन से संबंधित सारी परेशानियां निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। जाने और आप क्या ये जान लें कि क्या उपाय और करने हैं। 13 दीपक जलाने हैं शाम ढलने के बाद, उसके बाद 13 कौड़ियां रखें साथ में, फिर आधी रात के बाद ये कौड़ियां घर के किसी कोने में गाड़ दें। इससे आपको अचानक धन लाभ होगा। 13 दीपक घर के अंदर और 13 घर के बाहर रखें। इससे दरिद्रता, अंधकार और नकारात्मक ऊर्जाएं जो आ जाती हैं वो दूर हो जाएंगी। धनतेरस के दिन अपने परिवार के सदस्यों के लिए कोई भी उपहार खरीदें। बाहरी लोगों के लिए कोई गिफ्ट ना लें, सिर्फ अपने घर वालों के लिए लें। यदि आपके पास धन नहीं टिकता है तो धनतेरस से दीपावली के दिन तक आप माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान एक जोड़ा लौंग चढ़ाएं, यानी दो लौंग
चढ़ाएं। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफ़ेद कपड़ा या कोई वस्तु दान करते हैं तो आपको धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। जमा पूंजी बढ़ती रहेगी और आपके काम में जो भी बाधाएं आ रही हैं सारी दूर हो जाएंगी। इस दिन किसी भी किन्नर को अवश्य दान दें और उससे एक सिक्का मांग लें। यदि किन्नर आपको वो सिक्का खुशी से दे तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो आप उससे मांग भी सकते हैं। इस सिक्के को आप अपने पर्स में या तिजोरी में रखें, आप देखेंगे कि कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं होगी। आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, गरीब, जमादार आ जाए उसे खाली हाथ ना भेजें, कुछ ना कुछ अवश्य दें। इससे माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहेंगी और आपको समृद्धि का आशीर्वाद हमेशा देती रहेंगी। आपको हर कार्य में इससे सफलता मिलेगी। यदि आपको किसी भी काम में सफलता प्राप्त करनी है तो इस धनतेरस पर आप उस पेड़ की टहनी लाएं जिस पर चमगादड़ बैठता हो। इस टहनी को ड्राइंग रूम में रखने से धन की प्राप्ति होती है, साथ ही समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। इस दिन आप किसी मंदिर में जाकर के केले का पौधा या सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये पेड़ हरे भरे और बड़े होंगे आपके जीवन में देखिएगा कि सफलताएं बढ़ती जाएंगी। धनतेरस के दिन किसी की बुराई ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और घर में शांति और सकारात्मकता नहीं रहेगी अदरवाइज। धनतेरस की पूजा से पहले और बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा छिड़कें। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा और इसके अलावा यह जल पूजा में भी शामिल लोगों पर छिड़के। इससे मन पवित्र होता है। अगर मन पवित्र है तो काम में मन लगेगा और स्वतः ही धन का आगमन होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको सारी जानकारी दे रही हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल का लाइक तो बनता है एक इसका।